अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे एस टी एस 630 के लेसन नंबर 20 को, सर्वे रिसर्च। पिछले लेसन में हमने इसका थोड़ा सा ओवरव्यू पढ़ा था, इस लेसन में हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मीडिया से। ह्यूमन इंटरेक्टिव मीडिया क्या है? जब आप मोबाइल पर या फेस टू फेस बात करते हैं तो इसे पर्सनल लेवल पर होता है, जब दो या तीन लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्टिव मीडिया के अंदर डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लार्ज नंबर ऑफ पीपल से इंटरेक्ट करना। नॉन इंटरेक्टिव मीडिया क्या है? इसमें फौरी रिस्पांस नहीं मिलता, यानी अखबारात के ज़रिए या लेटर्स खतूत के ज़रिए इन लोगों तक पैगाम पहुंचाया जाता है, उनसे सवाल किए जाते हैं। चूजिंग अ कम्युनिकेशन मीडिया, सर्वे करने के यानी कि मुख्तलिफ तरीके हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहला है पर्सनल इंटरव्यूइंग, टू वे कन्वर्सेशन। इसमें एक बंदा सवाल करता है और दूसरा बंदा इसके जवाब देता है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन भी इसको कहते हैं। एडवांटेजेस देखते हैं पहले इसके। नंबर वन है अपॉर्चुनिटी टू फीडबैक। इसमें फ़ौरन फीडबैक मिलती है, राय मिलती है, यानी सवाल का फौरी जवाब मिलता है। अगर जवाब में कन्फ्यूजन हो तो आप उसी वक्त इससे मज़ीद सवाल करके कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं। नंबर टू, प्रॉबिंग कम्प्लेक्स क्वेश्चन। एक तो सब्जेक्ट को ये इंस्ट्रक्शन दी जा सकती हैं कि फ़लाँ सवाल का जवाब देते हुए क्या चीज़ जहन में रखनी है, और इसमें मुख्तलिफ और मुश्किल और पेचीदा सवालात या जवाब दोनों को क्लेरिफाई साथ साथ किया जाता है। नंबर थ्री, लेंथ ऑफ इंटरव्यू। फ़ोन पर जो इंटरव्यू लिया जाता है इसकी लेंथ 10 मिनट तक हो सकती है, लेकिन इसमें इंटरव्यू में आप 1 घंटे या अपने ज़रूरत के मुताबिक इंटरव्यू को एक्सटेंड कर सकते हैं। नंबर फोर, हाई कम्प्लीशन रेट है। जब लोग आमने सामने बैठे होते हैं तो सवालात का जवाब ना देने का कोई ऑप्शन नहीं होता। हो सकता है फ़ोन कॉल पर अगर कोई बंदा जवाब ना देना चाहता है तो वो फ़ोन बंद कर दे, लेकिन आमने सामने ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। नंबर फाइव, प्रॉप्स एंड वीजुअल एड्स। बाज़ूकात आपने लोगों को एड्स या पिक्स वगैरह दिखानी होती हैं तो उस वक्त सब्जेक्ट का सामने होना ज़रूरी है। हाई पार्टिसिपेशन रेट क्या है? अगर इंटरव्यूअर एक अच्छी पर्सनैलिटी वाला है तो वो ज़्यादा पार्टिसिपेट दो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। नंबर सेवन, ऑब्जर्वेशन ऑफ द नॉन वर्बल बिहेवियर। इसमें साथ साथ नॉन वर्बल बिहेवियर, बॉडी मूवमेंट हो गए, आई मूवमेंट हो गई, फेस एक्सप्रेशंस हो गए, इनको भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। नंबर एट, नॉन लिटरेट्स कैन पार्टिसिपेट इन स्टडी। क्योंकि इसके अंदर सिर्फ बोलना होता है ना, सवालात के जवाब देने होते हैं, तो वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं होते वो भी स्टडी में हिस्सा ले सकते हैं। नंबर नाइन है, इंटरव्यूअर कैन प्री स्क्रीन रिस्पोंडेंट। इसमें लोगों को सिलेक्ट किया जाता है थोड़े बहुत सवालात करके। पहले बहुत सारे हजूम होते हैं लोगों का, उनमें से कुछ लोगों से उनसे कुछ सवाल किए जाते हैं थोड़े बहुत, और फिर देख लिया जाता है कि कौन लोग जो हैं इनके अंदर जो हमारे रिक्वायर्ड लोग कौन से हैं। जो रिक्वायर्ड पीपल होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, अलग-अलग कर लिया जाता है, बाकियों को इलेमिनेट कर दिया जाता है। फिर जो सिलेक्टेड लोग होते हैं सिर्फ उनसे इंटरव्यू लिया जाता है। नंबर टेन है CAPI, इंपॉर्टेंट MCQs के हवाले से, कंप्यूटर असिस्टेंट पर्सनल इंटरव्यूइंग। इसमें जवाबात के साथ साथ कंप्यूटर में जो जवाबात होते हैं उनको साथ साथ कंप्यूटर में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि किसी किस्म की गलती का चांस ना रहे। अभी हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे इंटरव्यू के। हाई कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जगह अरेंज करना, इंटरव्यूअर्स की पे, लोगों को अरेंज करना, इनकी रिफ़्रेशमेंट वगैरह। नंबर टू, इसके अंदर कह रहा है कि स्केरिटी ऑफ हाई ट्रेंड इंटरव्यूअर्स। अच्छे और ट्रेंड इंटरव्यूअर्स की बहुत किल्लत है, और जो अच्छे इंटरव्यूअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। नंबर फोर, लैक ऑफ एनोनिमिटी ऑफ रिस्पोंडेंट, सिक्रेसी, यानी कि इसके अंदर बहुत से लोगों की खुशी होती है कि इनकी आइडेंटिटी को शो ना किया जाए। नंबर फोर है, कॉल बैक्स अ लेबर इंटेंसिव वर्क। वैसे तो अगर किसी को फ़ोन कॉल करनी है तो दोबारा डाटा इकट्ठा करने के लिए, यानी तो आप उसे कॉल कर लें, लेकिन दोबारा किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाना हो तो ये खासा मुश्किल होता है। इंटरव्यूअर इन्फ्लुएंस, अगर इंटरव्यूअर्स की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो लोग सही तरह इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। इंटरव्यूअर बाइस, इसमें इंटरव्यूअर की खुद की लाइकिंग या डिसलाइकिंग शामिल हो जाती है, हो सकता है इंटरव्यूअर बाइस्ड होकर सवालात करें। नंबर सेवन, नो अपॉर्चुनिटी टू कंसल्ट। इसमें सब्जेक्ट अपने पहले गुजरे हुए सवालात को के जवाब में से किसी को तब्दील करना चाहे तो वो ऐसा नहीं कर सकता। नंबर एट, लिमिटेशंस इन रिस्पोंडेंट अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी। बहुत से लोग इंटरव्यू के लिए नहीं जाते या नहीं जा पाते,
या वो इसका पार्ट नहीं बनना चाहते। नंबर 9, सम नेबरहुड्स आर डिफ़िकल्ट टू विज़िट। कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डोर स्टेप इंटरव्यू नहीं हो पाते। कुछ सोसाइटीज़ के रूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर इंटरव्यू नहीं लिए जा सकते। डोर टू डोर इंटरव्यूज़, इसी को यहाँ पे मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कि इसमें सब्जेक्ट के घर जाकर, इसके ऑफिस जाकर कर इंटरव्यू किए जाते हैं। कुछ लोग इंटरव्यू के बजाय वर्बली जवाब देना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ लोग इस वजह से इंटरव्यू के लिए नहीं जा पाते तो इनके पास इंटरव्यूअर ख़ुद चला जाता है, ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। आगे, इंटरसेप्ट इंटरव्यूज़ इन मॉल्स एंड अदर हाई ट्रैफिक एरियाज़। इन जगहों पर जो इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं वो बहुत कम ड्यूरेशन के होते हैं। इसमें इंटरव्यूअर किसी एक पॉइंट पर खड़ा हो जाता है और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से सवाल करता है। ये लो कॉस्ट होता है क्योंकि इसमें कम वक्त में ज़्यादा लोगों के ओपिनियंस को इकट्ठा किया जा सकता है। लेसन हो गया व्यूअर्स आपका कंप्लीट। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।